Uh, इसी से ही मुस्लिम लीग निकली है वो कैसे कि जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी इनका बड़ा एक रोल है जो मुस्लिम लीग के बानी थे ना दे जो मेजर लोग थे ना नवाब समी खान नवाब मुल्क वग़ैरह ये लोग मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थे ठीक है इसको थोड़ा सा आपने डिटेल से देख लेना है अब जब कंपैरिजन करना है तो दारुल दारलूम देवबंद को भी हम देखेंगे सबसे पहली चीज़ ये कि जी ये इस्टेब्लिश हुई थी थर्टी ऑफ मे एटीन को और इट वॉज़ इस्टेबलिश्ड अंडर द शेड ऑफ़ अ ट्री यानी कोई इमारत नहीं थी कोई बिल्डिंग नहीं थी कुछ भी नहीं था इवन एक क्लास रूम भी पूरा नहीं था एक स्टूडेंट था और एक टीचर था एंड द टीचर वॉर स्टैंडिंग अंडर द शेड ऑफ़ द ट्री और ऑबियसली द स्टूडेंट वुड ऑल्सो भी सिटिंग अंडर द शेड यानी ये हालात थे जब दारलूम बनाया गया और इसके फाउंडर थे मौलाना कासिम नानोथवी जिनकी टाइम पीरियड है 1830 थर्टी टू एटीन एटी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या थे सीधी सी बात है ये स्टार्ट इसलिए हुआ था इन सिंपल वर्ड्स के उन्होंने देखा कि जी अंग्रेज़ों की हकूमत है अंग्रेज़ का दौर है और मुस्लिम्स जो है ना उनके लिए जो तालीम है एजुकेशन है वो इसी तरह की है कि या तो आप इंग्लिश सीखो कि अपने रिलीजन को एक तरफ रख दो अपने सेक्युलर इदारों में पढ़ना है आपने बिल्कुल एक सेक्युलर सोच रखनी है अपने दीन से अपने मज़हब से आप दूर हो गए हो तो हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम लेके कर जिसमें बच्चे पढ़ें भी तालीम भी हासिल करें और अपने दीन से भी ना दूर हों ठीक है अब आ जाएँ जी हमने इसको लेके कैसे चलना है लिखना कैसे है तो जी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये थे कि इन्फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन टू मुसलम्स ऑफ क़ुरान हदीस एंड तफसीर ये मेन चीज़ें थी मेन थीम्स थी यानी इन चीज़ों का नॉलेज दिया जाना था मुस्लिम्स को स्टूडेंट्स को और इन वोकिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम अमंग द स्टूडेंट्स एंड ट्रेनिंग दैम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स के इस्लाम के जो कोड ऑफ एथिक्स है ना उसके साथ जो है न एक्ट करना है वो अपनी पर्सनैलिटी में चीज़ें लेके आनी है फिर ये डिफेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द रिलीजन अवॉर्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिजर्विंग द फ्रीडम ऑफ थाट एंड नॉलेज के हमारी दिल और दिमाग हमारा सोच तो अपनी रहे है ना फिज़िकली तो बेशक हम आ, अंडर द ब्रिटिश राज हैं लेकिन हमारी सोच जो है वो तो एक मुसलमान की सोच हो इस्टेबलिशमेंट ऑफ अरेबिक इंस्टीट्यूट फिर ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए जिसमें ख़ालस अरेबिक सिखाई जाए अपने पूरी हिस्ट्री जो अगर आप चल रहे हैं साथ साथ तो और देख रहे हैं कि स्टार्ट से ही ना शुद्धि मूवमेंट थी ठीक है संगठन की मूवमेंट थी कि मुस्लिम जो है ना वो उर्दू को बिल्कुल छोड़ दें और बिल्कुल मुस्लिम मुस्लिम्स का जो है ना स्क्रिप्ट ही चेंज कर दिया जाए रसमुलत ही चेंज कर दिया जाए क्योंकि हमारी उर्दू लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है ना वो अरेबिक से काफी ज्यादा सिमिलर है तो हिंदू मेजॉरिटी जो थी वो ये चाहती थी यानी जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी ये मूवमेंट थी शुद्धी मूवमेंट के मुस्लिम्स जो है ना वो अपना स्क्रिप्ट और अपनी लैंग्वेज भी छोड़ दें और वो संस्कृत लैंग्वेज की तरफ आ जाएं और जो ब्रिटिश थे ऑब्वियसली वो चाहते थे कि जी सारे जो मैसेज हैं अगर वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश सीखें तो दारुलूम ने कहा कि नहीं हम तो बल्कि ना सिर्फ उर्दू बल्कि हम अरबिक भी सिखाएंगे फिर जी आ, इनके जो है ना मज़ीद कुछ चीज़ें थी आ, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं और बड़ी अजीब सी भी लगती हैं उस दौर के लिहाज से अगर आप देखें आ, इतने मतलब स्टार्ट ही वो कैसे हो रहा है कि बड़ी ग़र्बत के साथ स्टार्टिंग हुई है इस इंस्टीट्यूशन की एक दरख के नीचे कोई इमारत नहीं कोई बिल्डिंग नहीं कुछ नहीं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मतलब ये रिफ्यूज़ल कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स का एड्स का और डोनेशनस का ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कोई ग्रांट या एड ना दे अगर आप देखें ना अलीगढ़ को तो अलीगढ़ ने बहुत दफ़ा अलीगढ़ को ग्रांट्स भी मिली एड्स भी मिलती थी लेकिन इन्होंने इस चीज़ का इनकार किया रीज़न इसका ये था कि इस तरह गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है जाहिर है जो गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स या एड्स दे रही है फिर वो कहेगी कि हमारी दी हुई पॉलिसी जो है ना वो आप लोग इम्प्लीमेंट करो फिर जी स्कूल्स टू बी बेस्ड ऑन पब्लिक कोऑपरेशन अब जो लोग हैं ना आवाम है जिनके बच्चे इन स्कूल्स में जा रहे हैं देवबंद के वो वो लोग ख़ुद कंट्रीब्यूट करें फिर जी इंडिपेंडेंट एटीट्यूड विद मोर एंड मोर एम्फेसिस ऑन मैस कॉन्टैक्ट वाज चीफ़ ऑफ़ दारुल दारूम यानी बहुत निचले लेवल पे मैसेज के साथ यानी आवाम के साथ ताल्लुक़ पे जो है ना दारलूमूम का ज़ोर था वो चाहते थे कि बिल्कुल लोगों में घुल मिल जाए लोगों के साथ दारुल दारलूम का जो है वो मतलब अवामी लेवल पे इंटरेक्शन हो सैलरी ऑफ मौलाना कासिम नानुत्वी ये इनकी सेल्फनेस सेल्फ लेसनेस की मिसाल है कि इनकी सैलरी जो थी ना वो फिफ्टीन रुपया पे जो है ना वो फाइनल हुई थी लेकिन उसमें से भी वो दस ही लेते थे और बल्कि यहाँ तक था कि उन्होंने जब तक उनकी शादी नहीं होगी ना तो वो कहते थे मेरे तो अखराजात ही नहीं है तो उन्होंने अपनी सैलरी ही नहीं निकलवाई फिर जी कंसल्टेटिव काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेटर होता था इसका यानी एक शूरा थी कंसल्टेटिव काउंसिल uh, के साथ ना आप लिख लें ब्रैकेट में शूरा इसका सिस्टम ऐसा था कि मशवरों के साथ ना कंसल्टे के साथ बात होती थी और uh, मतलब ये नहीं था कि ऑल इन ऑल कोई है फाउंडर है तो वो बात सारी उसी की चलेगी फाउंडर अपने आप को यानी इतना मतलब ये नहीं समझता था कि मैं ही सारे मामला अपनी मर्ज़ी से चलाऊं बल्कि एक शुरा है उससे मशवरा किया जाएगा और फिर बकायदा एक एडमिनिस्ट्रेशन थी जो इस पूरे सिस्टम को चलाती थी और ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही सेल्फलेस सेल्फ uh, लेसनेस का मुजाहरा कर रही थी uh, किसी ने भी यानी शुरू में अपनी पेज और मतलब ये फरमाइश की ही नहीं थी कि आप हमारी पेज बढ़ाएं या कुछ भी उनके ख्याल में ये एक सदका जारिया था जो वो काम कर रहे थे और उसकी वजह से इस इंस्टीट्यूट में इतनी ज़्यादा बरकत हुई के आप ये ट्रैक टू पाकिस्तान से ना फिगर्स निकालना इनके हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स सिर्फ इंडिया के ही नहीं थे एक इंटरनेशनल डायस्पोरा था स्टूडेंट्स का जो आया इनकी तरफ लोग जो है इंडोनेशिया से आ रहे थे लोग मलेशिया से आ रहे थे लोग अफगानिस्तान से आ रहे थे लोग इवन इजिप्ट से लोग आए हैं दारूम में क़ुरान और हदीस का नॉलेज लेने के लिए ठीक है इसकी फिर मज़ीद सर्विसेज में दारुल दारफ्ताह भी था Uh, के लोग अपना जो है मसला इनको भेजते थे लेटर लिखते थे या वैसे इनसे पूछने जाते थे तो फिर ये फतवा इशू करते थे कुरान और हदीस की रोशनी में उनको आंसर दिया जाता था फिर जी कम्बैटिंग द क्रिश्चियंस एंड आर्या समाज मिशनरीज ये भी इनका एक था कि इन्होंने अपनी जो है ना उर्दू लैंग्वेज के ज़रिए इन्होंने क्रिश्चियंस और आर्या समाज के जो मिशनरीज थे जो अपने रिलीजन को प्रोमोट कर रहे थे इन्होंने आसान ज़ुबान में उर्दू के साथ दीन की तबलीग करते हुए ना उनके आ, बातों का तोड़ दिया लोगों को जवाब दिए दलाइल दिए और जो है लोगों को क्रिश्चियन या हिंदू बनने से जो है वो इन्होंने आ, बचाया डिड नॉट रिज़र्व विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ देयर पब्लिकेशंस अब इन इनका ना एक और बहुत बड़ा एहसान है कि दारूम में ना बड़े टॉप की जो है ना राइटर्स पैदा हुए हैं टॉप के स्कॉलर्स पैदा हुए हैं और इन्होंने आ, अपनी बुक्स पे रॉयल्टी नहीं रखी यानी इनकी जो बुक्स है ना अगर ये उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखते हैं ना तो जितनी कॉपीज़ इनकी बुक्स की हो रही हैं और आगे सेल होती हैं उसका एक पोर्शन इनको मिलना चाहिए था और अगर वो मिलता तो आज इनकी औलादें बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी होती जिस हिसाब से इनकी तफसीरें हैं कुरान की अदीस की हैं फॉर एक्ज़ाम्पल मुख्तलफ जो है ना इस्कॉलर्स हैं तो उनकी इतनी मतलब ऐसे ऐसे वो नाम है ना कि आप सुन के कहते हैं कि वाकई मतलब हर घर में तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में इनकी तस्वीर तो पड़ी होगी कि इतनी ज़्यादा इनकी जो है ना वो बुक्स सेल हो रही हैं उन इन्होंने रॉयल्टी नहीं ली उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही नहीं रखे अपने लिए ना और इन्होंने कहा कि नहीं ये फीस सभी बस हमने अल्लाह तला की खातर किया इसका अजर हमें अल्लाह तला देंगे तो ये जो है ना जारलूम का एक बहुत बड़ा अजीम एक कह लो एहसान है फिर जी आ, टीचिंग संस्कृत टू काउंटर द शुद्धि मूवमेंट फिर इन्होंने क्या किया ना सिर्फ ये उर्दू और अरेबिक को प्रमोट कर रहे थे इन्होंने अपने डिसिपल्स को संस्कृत भी सिखाई ताकि जो शुद्धि मूवमेंट की एक जो एक स्ट्रीमिस्ट मूवमेंट थी ना मुस्लिम्स को कन्वर्ट करने के लिए हिंदुज़म की तरफ और फिर उनकी उर्दू लैंग्वेज को इस सिरे से ख़त्म करने की ताकि उनका लिटरेचर पढ़ के उसको ट्रांसलेट कर सकें और उस उनके नैरेटिव को काउंटर कर सकें ना उसके लिए इन्होंने अपने डिसिपल्स को संस्कृत भी सिखाई फिर जी उर्दू वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक तरह से इन्होंने फिर ग्रोथ ऑफ उर्दू में भी बड़ा एक इनका भी हाथ है ठीक है यानी हम सर सैद को कहते हैं ना कि उर्दू के लिए बहुत काम किया तो दूसरी तरफ दारुल दारूम की जो खदमात है ना उर्दू के लिए वो भी निगलैक्ट नहीं की जा सकती फिर जी पॉलिटिकली एंटी ब्रिटिश पोस्चर था इनका अगर हम यानी इनके आ, मतलब पॉलिटिकल इनके देखते हैं ना कि क्या था सब कॉन्टीनेंट में आ, तो वो यही था कि एंटी वे ब्रिटिश थे ऑल दो के ये एक एजुकेशनल मूवमेंट थी लेकिन इट वाज अपोज टू द ब्रिटिश राज और इनकी एलिजेंस थी टूवर्ड्स द ऑटोमन अम्पायर और आगे जब हम 1920 ट्वेंटी में खिलाफत मूवमेंट पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो नाम आते हैं ना वो यही लोग थे क्योंकि मुस्लिम लीग तो बिल्कुल साइड पर रही ना जब ख़िलाफत मूवमेंट चलती रही तो ये सारी एक रिलीजस मूवमेंट चली थी ओटोमन अम्पायर को बचाने के लिए और ये अपनी एलिजेंस जो थी ना वो किसके साथ रखते थे आ, जो आ, उस्मानी खलीफा थे उस वक़्त के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। फिर जी इन इनके मुस्लिम लीग के साथ आ, मतलब जो भी आ, वो रहा ना एक ताल्लुक वो नाइनटीन थर्टी फाइव टू थर्टी सिक्स तक ही रहा और उसके बाद इनके भी रास्ते अलग हो गए थे और इनका जो है पॉलिटिकल पार्टी जो बनी थी उज तो उलमाए हिंद ठीक है जैसे पाकिस्तान में उसी की शाख है उलमाए इस्लाम तो वो यानी दारूम देवबंद की ही एक शाख है तो बाकी यानी इनका और मुस्लिम लीग का भी कंपैरिजन अगर आप करना चाहें तो काफी सेपरेट है इधर मैंने लिखा नहीं लेकिन इनके कुछ स्कॉलर्स ने पाकिस्तान बनने की भी अपोज पाकिस्तान को किया था रिलीजस ग्राउंड्स पे ना इनका ख्याल था कि हिंदुस्तान जो है ना वो कलेक्टिव एक हमारा एरिया था हमारा इलाका था आ, हम लोगों ने यानी इतने सेंचुरीज इधर रूल किया है तो हम क्यों एक पाकिस्तान लेके तो सेपरेट हो जाए और बाकी सारा और बाकी सारा एरिया जो है ना वो हिंदुओं के लिए छोड़ दें ऑन दो इट्स अ डिबेटेबल इशू हम इस पर मज़ीद बात नहीं करेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ना एक लिंक शेयर कर दिया देवबंद पर एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है वो देख लें और ये जो पाकिस्तान वाला इशू है ये इसका भी मुझे एक अच्छा सा आर्टिकल नज़र आया था मैंने शेयर कर दिया है ऑल दो इट्स नॉट नेसेसरी लेकिन आप देख लें इट्स गुड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक पी एम एस में भी जो है ना देवबंद और अलीगढ़ का कंपेरिजन आया हुआ है इन कॉन्टेक्सट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट सो यू कैन सी इट